गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू अवर फोर्थ चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के साम्राज्य में. वी वर ऑन पेज नंबर 20 एंड वी हैव टू स्टार्ट लास्ट पैराग्राफ. द किंग सेड, टिल नाउ वी हैव स्टडीड इन द स्टोरी दैट वो मर्चेंट के घर जो है एक बर्गलर घुस जाता है चोरी करने के उससे, और एक दीवार तोड़ के अंदर वो घुसता है तो वो दीवार जो है उसके ऊपर गिर जाती है और वो मर जाता है. और वो उसका भाई जो है अब राजा के पास जो है न्याय के लिए गया है कि उसकी फैमिली को जो है न्याय मिलना चाहिए और जो उनकी क्षति हो गई उसकी क्षति पूर्ति कर होनी चाहिए. ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू. द किंग सेड, अब उसकी बात सुनकर राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, कि चिंता मत करो, न्याय किया जाएगा. एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, और तुरंत ही उस घर के मालिक को बुलाया गया जिसकी दीवार उस बर्गलर के ऊपर गिरी थी और वो मर गया था. और वो घर किसका था? एक व्यापारी का था. When the merchant arrived, the king questioned him. जब व्यापारी राजा के पास पहुंचा तो राजा ने उसको सवाल पूछा, What is your name? Such and such, your highness. राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बता दिया, Such and such. Such and such बोला जाता है जब यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ है कि ये नाम है मेरा. हिंदी में कई बार हम बोल देते हैं ना, ये करना है, ये नाम है, कुछ बताया नहीं जाता है. वहाँ पर हम सच एंड सच यूज़ करते हैं. तो उसने अपना नाम बता दिया. Were you at home when the dead man burgled your house? कि जब वो मृत व्यक्ति, मरा हुआ जो मर गया है व्यक्ति, जब वो तुम्हारे घर में सेंध मार रहा था, चोरी अंदर घुस रहा था, क्या तुम घर पर थे? Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. It fell on him. अब उसने कहा कि हाँ my lord, मैं घर पर ही था. वो उस दीवार को तोड़कर अंदर आया था और वो दीवार कमज़ोर थी, उसके ऊपर गिर गई. The accused pleads guilty. Your wall killed this man's brother. The accused pleads guilty. अब वो आरोपित व्यक्ति जो है वो अपनी गलती के लिए निवेदन कर रहा है, मतलब जो भी उसने गलती है कि दीवार उस पर गिर गई थी. तो राजा ने कहा, योर वॉल किल्ड दिस मैंस ब्रदर, कि तुम्हारी दीवार ने जो है इस व्यक्ति के भाई को मारा है. यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक व्यक्ति का खून किया है. वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें अब सजा देनी होगी. लॉर्ड, सेट द हेल्पलेस मर्चेंट, हेल्पलेस निसहाय. अब निसहाय व्यापारी जो है उसने कहा कि भगवान, आई डिडंट पुट अप दैट वॉल, कि मैंने वो दीवार नहीं बनाई है. इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, कि सच में ये उसकी गलती है जिसने ये दीवार बनाई थी. ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने इसको सही तरीके से नहीं बनाया. यू शुड पनिश हिम, आपको उसे सजा देनी चाहिए. हु इज दैट, अब राजा ने क्वेश्चन किया कि वो कौन है. माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम. आई नो द मैन, ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाय. अब उस व्यापारी ने कहा कि भगवान, ये दीवार जो है मेरे पिता के समय में बनाई गई थी. मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, मतलब जिसने ये दीवार बनाई थी उस व्यक्ति को जानता हूँ. वह अब एक बूढ़ा व्यक्ति है और वह पास में ही रहता है. द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल. अब राजा ने अपने संदेशवाहकों को भेजा उस ब्रिकलेयर को, उस दीवार बनाने वाले को लाने के लिए जिसने कि वो दीवार बनाई थी. दे बॉट हिम टाइट हैंड एंड फुट, बंधे हुए हाथ पैरों से वो संदेशवाहक जो थे उस दीवार बनाने वाले को लेकर आए. यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम. अब यू देयर मीन्स तुम वहाँ, वो उसकी तरफ इशारा करके बोल रहे राजा कि तुमने इस व्यक्ति की दीवार बनाई थी इसके पिता के समय में. यस माई लॉर्ड, आई डिड. अब उसने ब्रिकलेयर ने जवाब दिया कि हाँ भगवान, मैंने ही बनाई थी. What kind of a wall is this that you built? कि ये जो दीवार तुमने बनाई ये किस तरह की बनाई थी? It has fallen on a poor man and killed him. वो एक गरीब निसहाय व्यक्ति पर गिर गई और उसे मार दिया. You have murdered him. तुमने उसको मारा है. We have to punish you by death. और अब हमें तुम्हें मृत्यु की सजा देनी होगी. Before the king could order the execution, execution फांसी की सजा को बोलते हैं, कि इससे पहले कि राजा जो है फांसी की सजा का ऑर्डर दे पाते, the poor bricklayer pleaded. अब वो निसहाय दीवार बनाने वाला जो है उसने निवेदन किया, Please listen to me before you give your orders. अब उसने राजा को ये निवेदन किया कि इससे पहले कि आप अपने आदेश दें, कृपा करके मुझे सुनिए, मतलब मेरा भी पक्ष सुनिए. It's true, I built this wall and it was no good. कि सच है कि मैंने ये दीवार नहीं बनाई और ये अच्छी नहीं, कि मैंने ये दीवार बनाई और ये अच्छी नहीं थी. बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट. लेकिन वो इस कारण हुआ क्योंकि मेरा दिमाग उस पर नहीं था, मतलब जब मैं वो दीवार बना रहा था तो मेरा ध्यान उस पर नहीं था. आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग. जिंगलिंग
एंकलर पायल पाजेब को बोलते हैं, और जिंगलिंग उसकी आवाज़ को, छन छन की आवाज़ जो होती है। अब वो कहने लगा कि मेरे को अच्छे से याद है, मेरे को नर्तकी अच्छे से याद है जो उस गली पर पूरा दिन जो है आ जा रही थी, मतलब जहाँ पर मैं दीवार बना रहा था वो गली जो थी वहाँ पर वो पूरा दिन आ जा रही थी और उसकी पायलों की छन छन की आवाज़ हो रही थी। एंड आई कुडंट कीप माय आईज और माय माइंड ऑन द वॉल आई वाज बिल्डिंग, और मैं जो हूँ अपनी आँखें और अपना दिमाग, या अपना दिमाग जो है उस दीवार पर नहीं लगा पाया जिसको कि मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल आई नो वेयर शी लिव, कि आपको उस नर्तकी को बुलाना चाहिए और मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, अब राजा ने कहा कि तुम सही कह रहे हो। द केस डीपेंस, ये मामला जो है अब गहराता जा रहा है, डीप मीन्स गहरा होना, डीपन और गहरा हो जाना, मतलब ये केस जो है अब गहरा होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेज, और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जटिल केस मीन्स मामला या प्रकरण, कि ऐसे जटिल मामलों को जो है वो निर्णय करना, ऐसे जटिल मामलों का वो आसान नहीं है। लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज, कि वो नर्तकी जहाँ पर भी है हमें उसे लाना है, चलो उसको लेकर आते हैं, वो डांसर जहाँ भी है उसको पकड़ कर लाते हैं। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट, और वो नर्तकी जो कि अब एक बूढ़ी महिला थी वो कांपते हुए वहाँ न्यायालय में आई, राजा के सामने प्रस्तुत हुई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम, अब राजा ने उसको पूछा कि बहुत साल पहले जिस गली, जब ये व्यक्ति जो है दीवार को बना रहा था तो तुम उस गली में बार बार आ जा रही थी, डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसको देखा। यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, अब उस नर्तकी ने भी जवाब दिया कि हाँ मुझे ये अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट जिंगलिंग, तो तुम जो हो बार बार आ जा रही थी, विद योर एंकलेट जिंगलिंग, और अपनी पायलों की आवाज़ करते हुए बार बार आ जा रही थी वहाँ पे। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम युवा थी और तुमने उसका ध्यान भटकाया। सो ही बिल्ड अ बैड वॉल, तो उसने जो है एक खराब दीवार बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, वह जो है एक गरीब निसहाय बर्गलर पर, चोर या सेंधमार पर गिर गई, एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, यू विल हैव टू बी पनिश्ड, कि तुमने जो है एक निर्दोष व्यक्ति को मारा है, तुम्हें जो है सजा दी जाएगी। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, अब वो उसने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर कहा, माय लॉर्ड वेट, कि भगवान रुकिए, I know now why I was walking up and down that street, कि अब मैं जानती हूँ कि क्यों मैं उस गली में जो है बार बार आ जा रही थी। I had given some gold to a goldsmith to make some jewelry for me, कि मैंने जो है सुनार को अपने लिए आभूषण बनाने के लिए सोना दिया था। He was a lazy scoundrel, scoundrel समझ लीजिए चोर, उचक्का जैसे बोलते हैं ना, कुछ किसी को गलत अपशब्द बोलते हैं, कि वो जो है एक आलसी था। He made so many excuses, उसने बहुत सारे बहाने बनाए, एक्सक्यूज बहाने, उसने बहुत सारे बहाने बनाए। Said he would give it now and he would give it then and so on all day, मतलब पूरा दिन जो है वो बहाने बनाता और ऐसे कहता रहा कि मैं अब दूंगा और मैं तब दूंगा, पूरा दिन उसने उसको बार बार चक्कर लगवाए। He made me walk up and down to his house a dozen times, कि उसने जो है मुझे दर्जनों बार अपने घर के चक्कर लगवाए। दैट वॉज वैन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, और ये वो समय था जब उस ब्रिकलेयर, उस दीवार बनाने वाले ने मुझे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट्स द डैम गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, अब उस नर्तकी ने कहा कि ये मेरी गलती नहीं थी, ये उस सुनार की गलती थी। पुअर थिंग शी इज एब्सोल्युटली राइट, अब राजा ने कहा कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा कि ये बिल्कुल सही है। वेइंग द एविडेंस, और जो एविडेंस होते हैं साक्ष्य, सबूत, सबूतों को तौलते हुए, सबूतों को देखते हुए उन्होंने, राजा ने सोचा और ये कहा कि हाँ ये सही कह रही है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, हमें जो है असली मुजरिम को जो है पकड़ना है। गेट द गोल्डस्मिथ वेयर एवर ही इज हाइडिंग एट वंस, अब राजा ने ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया कि तुरंत ही जहाँ कहीं भी वो सुनार छुपा हुआ है उसे लेकर आओ। ओके, नाउ क्लियर द स्टोरी टिल नाउ? Enough for today. We will continue in our next class.